नमस्कार साथियों, मैं ब्रजमोहन और आप देख रहे हैं जनेतावाद। साथियों, जिस प्रकार से देश में माहौल है, लगातार बिल्डोजर के बाद बिल्डोजर, कहीं राजस्थान में बिल्डोजर चलाया जाता है तो कभी दिल्ली के जहांगीरपुरी में बिल्डोजर चलाया जाता है, चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, टीवी चैनल हो, ग्राउंड रिपोर्ट हो, चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ बिल्डोजर और भाजपा की जो रणनीति है उस पर लगातार चर्चा हो रही है। लेकिन साथियों, आपको बता दूं, इन खबरों के अलावा भी कुछ खबरें हैं जो हमें जानना ज़रूरी हैं। तो क्या कुछ खबर हैं वो मैं खबर बता देता हूं। आज एक सबसे बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, हालांकि खबर तो ये इसी हफ्ते की है लेकिन मीडिया रिपोर्ट में अभी नहीं आई है, तो मैं चाहता हूँ ये खबर आप जानें। खबर ये है कि अब भारत विकासशील देशों में नहीं गिना जाएगा। जी हाँ साथियों, सही सुन रहे हैं आप, अब तक भारत को विकासशील देशों में गिना जाता था, अब भारत को लोअर मिडिल इनकम कैटेगरी में रखा गया। जी हाँ साथियों, अब भारत की गिनती हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका जैसे देशों के साथ की जाएगी। तो साथियों, आप जानते हैं जिस तरह से भारत के पड़ोसी देशों जैसे श्रीलंका में क्या हालात हैं, वहाँ की आर्थिक स्थिति किस तरह से वहाँ के लोग जूझ रहे हैं, अब तो वहीं नेपाल की भी इकोनॉमी डमाडोल है, वहाँ पर दो साल से लगातार पर्यटक के नहीं जाने के कारण वहाँ की भी हालत गंभीर है। पाकिस्तान को आपने देख ही रहे हो किस तरह से वहाँ की सरकार भी गिर गई है। तो साथियों, सबसे पहले अब मैं सीधा खबर पर आता हूँ कि ये खबर पूरी खबर क्या है और कहाँ पर ये मतलब टैग मिला है भारत को, भारत अब विकासशील देशों में नहीं गिना जाएगा। जी हाँ साथियों, इसी हफ्ते वाशिंगटन में हुई वर्ल्ड बैंक की सेमिनार में ये टैग भारत को मिला है। ये आपको बता दें, IMF यानी इंटरनेशनल मैनेटरी फंड, जो कि विश्व का सबसे बड़ा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है, इसके अलावा दूसरे नंबर पर आता है वर्ल्ड बैंक, दूसरे नंबर का फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है, तो इन्हीं सभी इस मीटिंग में ही भारत को विकासशील देशों की श्रेणी से हटा करके लोअर मिडिल इनकम कैटेगरी में रखा गया। इस खबर के क्या मायने हैं इस मुद्दे पर भी हम आगे इस वीडियो में आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले देश की गोदी मीडिया की करतूत देखिए, किस तरह से देश की जनता को संतुष्ट किया जा रहा है, झूठी बातों में उलझाए रखा जा रहा है। ये TV9 भारतवर्ष का ये एक वीडियो है जहाँ से जिसमें बताया जा रहा है, इंडिया की बात नहीं हो रही है, भारत की स्थिति क्या है उस पर बात नहीं हो रही है, उसमें बताया जा रहा है कि देखिए अमेरिका में कितनी महंगाई है, अमेरिका में 10% लगातार रिकॉर्ड तोड़ महंगाई है। तो मैं ऐसे पत्रकार से पूछना चाहूँगा कि आपके लिए भारत के लोग महत्वपूर्ण हैं या अमेरिका के? साथियों, आपको बता दूँ, ये एक अकेली ऐसी खबर नहीं है जो भारतीय लोगों को सोचने पर मजबूर करे। ऐसी प्रतिदिन लगभग सैकड़ों खबर इंटरनेशनल लेवल से निकलकर सामने आती हैं, लेकिन हमारी मीडिया है वो हमें से छुपाती है और सही जानकारी जनता तक नहीं पहुंचाती है और जनता को मुद्दों से भटकाने का कार्य लगातार नेता पार्टियों के अलावा ये मीडिया प्रमुखता से करती रहती है। इसी का नतीजा है कि आज देश में नफरत का माहौल है, तनाव का माहौल है, मंदिर मस्जिद की लड़ाई है, कभी बिल्डोजर चलाया जाता है, कभी जय श्री राम के नारे लगाए जाते हैं। तो साथ ही मैं आपको बता दूं, जय श्री राम के नारे लगाने से किसी का पेट भरने वाला नहीं है, कह सकते हैं अजान की आवाज़ को सुनकर भी पेट नहीं भरने वाला। इसके लिए भारत को सशक्त बनना पड़ेगा, भारत को मजबूत होना पड़ेगा और भारत को सशक्त और मजबूत होने के लिए ज़रूरी है कि यहाँ के युवाओं को प्रतिनिधित्व मिले, रोज़गार मिले, शिक्षा मिले, स्वास्थ्य मिले, तभी ये देश विकासशील देश बनेगा। भारत विकासशील देश तो था ही, लेकिन उसे अब लोअर मिडिल इनकम कैटेगरी में रखा गया है। तो साथियों, आपकी इस खबर पर क्या राय है, अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। तो आप देखते रहिए जनता आवाज़। नमस्कार।